देखिए यहाँ पर जो तैयारी है वो 8 बजे के बाद दिखेगी, और जो एक्सपेक्टेड है कि नगर निकाय चुनाव के जो 17 मेयर सीट है इसमें से 15 में एक तरफा बीजेपी के कैंडिडेट जीतेगी, 2 पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, सहारनपुर और मुरादाबाद सीट। लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेताओं की नजर होगी वो पसमंदा मुसलमान के वोट बैंक पर, कि कितने पसमंदा मुसलमान जो है उन्होंने बीजेपी की तरफ वोट किया है, क्योंकि इसी का फायदा जाकर 2024 जो कि लोकसभा चुनाव में, और जिस तरीके से हम बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो 2014 के परफॉर्मेंस को उत्तर प्रदेश में रिपीट करेंगे, तो ऐसे में पसमंदा मुसलमान का वोट बैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद देखिए जिस तरीके से कमान संभाली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो देखेंगे कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अतीक योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी, जनसभा की थी प्रयागराज में, अनिल दुजाना का एनकाउंटर के बाद मेरठ में रैली की थी, तो जहां जहां पर उन्होंने रैली की और जहां जहां भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाया था, जो स्थानीय मुद्दे थे उसे उठाया था दोनों तरफ, इधर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, दोनों आमने सामने थे, तो अखिलेश यादव ने भी अनेक जनसभाएं की, तो देखना होगा कि इस बार किसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन इसको शहरी चुनाव भी कहा जाता है, और इस तरीके से ये जो शहर का बेल्ट है इसको बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए आज के नगर निकाय चुनाव को एक बूस्टर डोज की तरह भी देख रहे हैं। जी किशोर जी हाँ, और उधर काउंटिंग पर उस निकाय चुनाव की काउंटिंग में मौजूद हैं रीमा भी लखनऊ में, लेकिन इस वक्त हमें रवि सिंह उधर बुला रहे हैं गाजियाबाद से। रवि क्या हो रहा है आपके पीछे, काफी शोर शराबा दिख रहा है। देखिए हाँ किशोर अब क्योंकि हम लोग काफी पहले से खड़े हैं, सुबह के 5:30 बजे के पहले से, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक जुट गई थी, लेकिन इसमें आपको तस्वीर में हलचल नजर आ रही है क्योंकि बड़ी संख्या में जो काउंटिंग के एजेंट हैं वो बाहर खड़े थे, उनके सब्र का बांध टूट गया। उसके बाद पुलिस कंट्रोल करने में भी सक्षम यहां पर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, काफी देर से वो बाहर ही इंतजार कर रहे थे और इसके बाद वो अब एक एक करके अंदर जा रहे हैं। क्या हुआ, क्यों नहीं पब्लिक क्यों नहीं बाहर रुक रही है? तो अब इनका समय हो गया है अंदर एंट्री देने का, अब इनको प्रॉपर एंट्री दी जा रही है, अंदर चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही है। अच्छा, तो अब इनको धीरे धीरे करके एंट्री दी जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। सुबह के 8 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद में काउंटिंग की शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों के ही जरिए ये चुनाव हुए थे। 9 निकाय के चुनाव यहां पर गाजियाबाद में है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव, इसलिए माना जा रहा है कि 1 साल के बाद में जो चुनाव होने हैं आम चुनाव उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि आखिर में उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, राजनीतिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या आता है रिजल्ट इसको लेकर इंतजार है लोगों की। और फिलहाल यहां पर स्थिति यह है कि लोग आना शुरू हो गए हैं अंदर जो काउंटिंग सेंटर के अंदर। किशोर जी हाँ दिख रही तस्वीरें गाजियाबाद से। उधर लखनऊ चलते हैं, लखनऊ के काउंटिंग सेंटर में मौजूद है रीमा, वहां क्या हो रहा है? यहाँ की तस्वीरें मैं सुबह से देख रही हूँ, तस्वीरें बदलती जा रही है, यानी ये सुरक्षा कर्मी और इस बीच वही लोग यहाँ पहुंच सकते हैं जिनको बकायदा परमिशन है काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने का। ये बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ और लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे वक्त में नगर निकाय चुनाव हो रहा है, किशोर जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अतीक अहमद प्रकरण के बाद ये ऐसा चुनाव है जिससे बहुत सारी बातों का पता चलेगा, यानी जो सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर संभाला क्या उस पर पब्लिक मुहर लगाने जा रही है, या फिर उत्तर प्रदेश की बातों को पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना क्या उसको लेकर पब्लिक खुश है। और जिस पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र मेरे सहयोगी अमित कर रहे थे उनके बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत हद तक उनका भरोसा हासिल कर लिया है और ऐसे ऐसे चेहरों को मुस्लिमों के चेहरे को टिकट दिया गया है जिससे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी नगर निकाय चुनाव तक सीमित नहीं है बल्कि इसको 80 लोकसभा सीटों के लिहाज से देखा जा रहा है, यानी जो लोकसभा की 80 लोकसभा सीटें हैं वो सीटें बहुत ज्यादा मायने रखती है और ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। शहरी वोटर्स के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा, यानी नगर निकाय चुनाव से अगर मैं कंपेयर करके देखूं कि ये तो बीजेपी के वोटर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां है, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे हम।